क्योंकि मैं पहले से बैकग्राउंड में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था, तो मुझे पता है यूनिट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और मेरे साथ हैं अक्षय। वेलकम टू joinfilms। सेविया, ये जो भाकरवाड़ी है ये एक्चुअल क्या है? क्योंकि यहाँ के लोग तो जानते पहचानते हैं, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान भर की बात करें तो शायद उतनी समझ नहीं है कि क्या है ये। अभी तो समझ हो गए क्योंकि सब लोग सीरियल देख रहे हैं भाकरवाड़ी। तो भाकरवाड़ी एक महाराष्ट्रन और गुजराती फूड है, उसमें फाइट हो रही है कि भाकरवाड़ी बनाई किसने है। ओके, तो इस भाकरवाड़ी में आप क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ भाकरवाड़ी मेकर में, मैं एक हूँ सदस्य। हमारे 19 सदस्य है, उसमें से मैं एक हूँ। अभिषेक गोखले, जो अन्ना गोखले का मतलब बालकृष्ण गोखले का सबसे छोटा लड़का लेकिन सबसे प्यारा लड़का, मैं अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषेक गोखले। ओके, तो ये आपका जो सीरियल है हिंदी सीरियल, ये पहला है? ये पहली हिंदी सीरियल है और मैं 1 जनवरी से पहली बार, मतलब 2019 में मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने ज़्यादा कभी हिंदी बोली नहीं, क्योंकि ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि मैं हिंदी में बात करूँ। मराठी फैमिली में पला बड़ा हूँ, जो एरिया था वो भी सब मराठी क्राउड था। कुछ मराठी सीरियल्स और फिल्में किए, तो हिंदी पहली बार इस सीरियल के वजह से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें बैकड्रॉप बिल्कुल प्योर हिंदी महाराष्ट्रीयन है, तो मुझे सर ने बोला है बीच बीच में मराठी आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, फायदा तो हुआ है 100%। और मुझे ये फायदा हुआ कि मैं अभी तक महाराष्ट्र का बेटा था, अभी भारत का बेटा बनने वाला हूँ। क्या बात है। तो जो मराठी में लैंग्वेज में किया आपने, वो क्या क्या किया? मैंने कुछ फिल्में की है, जैसे कि माधुरी, उर्मिला मातोंडकर प्रोडक्शन की, और सपना वाघमारा जोशी ने डायरेक्ट की हुई, कान्हा की अवधूत गुप्ते ने की हुई, कुछ कमला बेदुणे दहा, ऐसे कुछ मराठी सीरियल किए, बैंग बैंग, और सोनी लिव की ही फुल टाइट नाम की एक मराठी वेब सीरीज की है। नॉर्मली ये माना जाता है अक्षय कि अगर आप रीजनल काम कर लो, सीरियल कर लो, फिल्म्स कर लो, तो हिंदी बेल्ट में आने में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा आपको चैलेंज हुआ? मैं सच बताऊँ, मैंने कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, एक्टिंग करना भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था कुछ साल। तो वहाँ पे सेट पे मुझे लोग बोलते थे कि ये अच्छा दिखता है, फिर मेरा मराठी बहुत अच्छा है, तो तेरी मराठी बहुत अच्छी है, तो तू ट्राई कर, तू ट्राई कर, ट्राई कर, ठीक है चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने वामन केंद्र के कुछ वर्कशॉप किया, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद मैंने वो वर्कशॉप के बाद कुछ प्रायोगिक नाटक और मराठी थिएटर किया, तो मुझे अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और तुरंत मुझे बेजुड़े दहा करके एक सीरियल मिली। उसके बाद मैं जो करता रहा चार साल में, मैं घर पे नहीं बैठा, ना तेरे काम की वजह से या मेरे स्वभाव के वजह से मुझे काम मिलता रहा चार साल, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं हिंदी में काम कर सकूं, क्योंकि मैं एक्टर ही बनने वाला नहीं था। और मेरे नसीब से ये सीरियल मुझे मिल गया। नसीब से नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, लोगों ने पहले आप पे भरोसा किया, फिर आपने खुद पे भरोसा किया, फिर सीखना शुरू किया, सीखना, जो लर्निंग फेस है वो भी इम्पोर्टेंट है उतना। और ये सीरियल की वजह से मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी सीख रहा हूँ, ये मुझे बहुत, हाँ ये हिंदी सिखाने वाली मुझे अक्षिता मुद्गल है, मेरी को एक्ट्रेस, मेरी हीरोइन, और अन्ना है, पूरी यूनिट है कि मुझे हिंदी सिखा रही है, करेक्ट कर रही है। अभी तो मैं इतना हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये देख के तो अक्षिता के आंखों में आंसू आए होंगे। ओके, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है इनकी हिंदी सुन के। आपने बीच में अभी वर्ड यूज किया कि क्या पता मेरे स्वभाव की वजह से, तो क्या एक्टिंग के साथ साथ स्वभाव भी मैटर करता है? बहुत मैटर करता है, आप कैसे बिहेव करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो बैक स्टेज में या क्रू में काम करते हैं वो लोग, हम तो दिखते हैं लेकिन वो उनके साथ आप कैसे रह रहे हो, ये सबसे मायने करता है। मैं, ये बड़प्पन नहीं है मेरा, लेकिन मैं स्पॉट डैडा से लेकर सब तक डायरेक्टर के यहाँ तक मैं फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ, क्योंकि मैं पहले से बैकग्राउंड में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था, तो मुझे पता है यूनिट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आर्टिस्ट तो अच्छे रहते हैं, नहीं रहते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीन करना ही पड़ता है, लेकिन यूनिट के साथ आपको अच्छा ही रहना चाहिए सबके साथ। ओके, उसके बाद इसमें आपके साथ हैं देवेंद्र भुजानी, जो कि बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, एक्सपीरियंस एक्टर हैं और बहुत हिट एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? सबसे पहली बात तो देवेंद्र भुजानी करके मुझे पता चला, मतलब मेरा दोस्त है, रूम पार्टनर, उनको असिस्ट करता था, तो जब वो डायरेक्ट कर रहे थे तो मैं, अरे वाह तेरे डायरेक्टर है, कुछ महीनों की बात, पहले महीनों की बात थी, 2-3 महीने के बाद, और मुझे पता चला अरे वो मेरे पापा का रोल करने वाले, अभी मेरे पापा का रोल करने वाले, वो सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनके स्वभाव में पहले से पता था कि कैसा है क्या नहीं है, वो कूल आदमी है, वो सब जान चुका था, तो ऐसा कभी डर नहीं लगा उनका, और वो भी इतने कूल है कि वो किसी को डर लगाने देते ही नहीं है। वो बिंदास बातें करते, कंफर्टेबल करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं जो जिसका बहुत फ़ायदा होता है। कोई एक चीज़ शेयर करोगे? मुझे वो बहुत बार हिंदी के बारे में बताते हैं, और
कैसा खड़ा रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए सीन में, क्या इंटेंस कैसा करना चाहिए। और पहली बात मैं उनसे सीखा हूँ कि वो बहुत रिहर्सल करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत रिहर्सल करके टेक देते हैं, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं मैं ज़्यादा रिहर्सल ओवर रिहर्स करूँगा तो फेक हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे सीखा कि वो बहुत रिहर्सल करके फ्लुएंट होके करेक्ट टेक देते हैं। वो मैं बहुत सीखा उनसे। अभी आप इतना काम कर चुके हो, क्या आज भी जब पहली बार कैमरा फेस करते हो तो नर्वस होते हो? नहीं, मैं नर्वस नहीं होता हूँ। नहीं होते? नहीं होता, कुछ भी नहीं लगता? नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया इतना प्ले करके। हाँ, ओके ग्रेट। तो सिर्फ अभी लैंग्वेज का मुझे पहले था, मतलब जब गाड़ी नए चलाते हैं तब ब्रेक पे ध्यान रखूँ, स्टेरिंग पे ध्यान रखूँ, ऐसा थोड़ा बहुत था। हाँ। लेकिन मैंने मराठी में काम किया तो वो लाइट लेना, वो मार्क पे जाना, वो मुझे वो टेक्निकलिटीज, बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वो भी अभी भी सॉल्व हो रहा है। ओके, नॉर्मली ये होता है कि जब हिंदी में काम करने लग जाते हैं तो लगता है कि फिर आप रीजनल छोड़ देते हैं। आप दोनों में काम कर रहे हैं या चल रहा है? अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ भाकरवड़ी कर रहा हूँ। मैं रीजनल छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं हिंदी में बहुत काम करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं हिंदी सुधर रहा हूँ और मुझे अभी हिंदी में काम करना बहुत पसंद आ रहा है। आज पहले सिर्फ मौके थे फिल्म, फिर आया दूरदर्शन, उसके बाद सैटेलाइट चैनल, अब आ गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। कितनी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं नए लोगों के लिए आपको? बहुत, अभी तो वेब सीरीज़ बहुत चलने वाला है। मैं भी खुद वेब सीरीज़ देखता हूँ जब भी टाइम मिले। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, कभी भी देखो अपने मन से, कहीं भी कैसे भी। ओके, अभी नया क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हो? अभी नया एक्टिंग में, अभी मैंने कुछ आगे सोचा नहीं, जैसे मैंने पहले भी सोचा नहीं था। मुझे जैसा रास्ता मिलता है उस रास्ते पर तय करता हूँ कि भाई इस रास्ते से चलना है या नहीं। मैं दूर का रास्ता कभी देखा नहीं पहले से और अभी भी नहीं देख रहा हूँ। मतलब जो कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस रहता है? करेक्ट, जो आएगा वो अच्छा करूँगा, आगे का नहीं सोचूंगा, जो आएगा वो अच्छा करूँगा। इंडिया में सभी लोग, मतलब हर पांचवा व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक्टर बनना है, सक्सेसफुल होना है। आपने ये रास्ता बहुत कम समय में तय किया, क्या कहना चाहोगे नए एक्टर से? अभी बहुत एक्टर्स आ रहे हैं लेकिन सस्टेन करना बहुत कठिन रहता है। मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फोकस रहने के लिए। और मेरे फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, अभी भी मेरी आई कभी नहीं बोली कि अरे अक्षय ये मत करना। आपको काम मिलता है, काम करने के बाद आप काम करते हो, लेकिन दूसरा काम मिलने तक जो पीरियड रहता है ना, उसमें आपको सस्टेन करना बहुत मायने रखता है। ऐसा मराठी में कहावत है और हिंदी में मैं नहीं बता सकता कि मराठी मूवी अंतरुण बगरुण पाए पसरावे। जब आपके पास काम नहीं रहता है तो 2 BHK का फ्लैट आपका, वन रूम किचन का भी हो तो आपको सहना पड़ना है। राइट, वो स्टार्डम नहीं रखना है। ये मैं बहुत छोटा हूँ बताने के लिए, लेकिन ये मैं बात शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू अक्षय। थैंक यू सो मच। तो ये थे अक्षय, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया इस पूरे वीडियो में कि अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपके माइंड में आया या आपको लगा है, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्वभाव भी अच्छा होना जरूरी है, और सीनियर से जितना सीख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आखिरी में जो इन्होंने बात कही कि जब उतार चढ़ाव चढ़े तब सब्र रखना पड़ेगा, अगर पैशन है तो पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।